हाँ भक्तों, आइए देखते हैं काया खोजी भजन के बारे में। आत्मा कहती है काया से कि हम तेरे काया के अंदर हैं और हमारे ही सारे तू इतना घमंड करती है, चलती है, अनेकों प्रकार के रूप बदलती है, और जब मैं तेरा साथ छोड़ दूंगी क्या करेगी। बेटा सत्यपाल क्या कहती है आत्मा काया से, अरे काया तो को दूंगी छोड़े और रूप तू कि न पे सजावे रे, तू कि न पे सजावे रे। एक दिन जगत में भेजो आत्मा कहती है काया, अरे प्रभु ने एक दिन जगत में तुझे भेजा है लेकिन तूने कोई भी उनका गुणगान नहीं किया है। मेरी बात सुन, एक दिन जगत में भेजो सोई ना मनाई सुरा खोली नो, और कहती है काया मेरी बात सुन, एक दिन बिटिया आई गर्भ में, एक दिन जब तेरे गर्भ में कन्या आई और तूने देखा है ये कन्या है, तूने गर्भ में उसे मरवा के खत्म करा दिया, ये घोर पाप तूने किया है, इतना बड़ा अन्याय अत्याचार तूने किया है, उस मासूम बच्चे का क्या दोष था। आत्मा कहती है काया से मेरी बात सुन कि तूने कितने कितने पाप किए हैं, नर्तन पाने के बाद में एक एक शब्द में तुझे बताऊंगी। मेरी बात सुन, एक दिन बिटिया आई गर्भ में उतर में मार गिराई रे,
पतू की ना पे तजावे रे दिन आए महात्मा द्वार काया एक दिन संत महात्मा तेरे दरवाजे पर आए लेकिन तू अपनी माया में इतनी अंधी हो चुकी थी तूने जरा भी उनकी बाड़ी पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि एक तरफ कभी कल्पना करता है कि प्रथम भक्ति संतन कर शंगा और दूजे रति मम कथा प्रसंगा लेकिन इतना होने के उपरांत में भी तुमने उनके शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया है कहां तक हम तेरे पाप छिपाएं और अगर हम तुमसे कहें तो कहां तक कहें आत्मा कहती है एक एक बार सुन एक दिन आए महात्मा द्वार भोजन नाई जिमायो रे गुरु होते हैं और हर गुरु अपने शिष्य को अच्छी रास्ता बताता है लेकिन तूने अपने गुरु की बात पे भी कोई ध्यान नहीं दिया और सत्य है श्रोताओं ये कभी जो कल्पना करता है बहुत सुंदर कल्पना की है और ये बात सत्य है हमारे परम संत गुरुदेव अर्चनी वंदनी उद्भव श्रोमण आला सम्राट स्वामी सुरजन चैतन्य जी ने भी बताया है ये सही बात बताई है एक दिन गए गुरुदेव बताए नाम ईश्वर को नाली नोरे काया तो तू ही छोड़ी ना मई तुर को नाली मोरे हाँ भक्तो हमारे साथ में ढोलक पर संगति कर रहा है बेटा भीष्म पितामह मैनपुरी से जो हमारा प्रिय शिष्य है अधिक से अधिक हमारे साथ में मेहनत करने वाला हमारे साथ बेटा भीष्म पितामह चिमटा पर सहयोग दे रहे हैं सत्यपाल शास्त्री काशीगंज से और हमें तो आप जानते ही होंगे शास्त्री दर्शन चैतन्य ग्राम पटना डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद से जो भी आप प्रोग्राम सुन रहे हैं
एमपीआई स्टूडियो मैनपुरी के प्रबल सौजन्य से काया तो को तूनी छोड़ी रूप तू की न सजावे रे